पंजाब की 9398 पंचायतों में सरपंच व पंच के पदों के लिए सुबह से मतदान शुरू हो गया है। इसके बाद देर शाम नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में कुल 13,225 पंचायतें हैं। सरपंच के लिए 3,798 व पंच के पद के लिए 48,861 उम्मीदवारों को पहले ही सर्वसम्मति से चुना जा चुका है। 28 ग्राम पंचायतों के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, वहीं एक पर रोक लगा दी गई है। इस तरह अब 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। सरपंच के लिए 25,588 और पंच के पद के लिए 80,598 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के लिए 19,110 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान हो रहा है, जिसके समाप्त होने के बाद तुरंत मतगणना शुरू कर दी जाएगी। चुनाव में सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि बिना किसी हिंसा व अप्रिय घटना के चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सके। आयोग ने बताया कि कुल 96,000 सुरक्षा कर्मचारी व स्टाफ को चुनाव में लगाया गया है।